Hi everyone, welcome to Know the Concepts, and today we'll be covering our next topic, balanced chemical equations, right? And if you like the video, if you like the learning, do like, share and subscribe. Now, so we'll be beginning with how to balance the chemical equations, right? Ab what is the need of balancing a chemical equation? Hum aise hi kyun nahi likh dete? Why we are balancing the chemical equation? There is some reason behind this. Because we are going according to the law of conservation of mass. There is a law in chemistry and which says that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Right? According to this, कि मास जो है वो उतना ही रहेगा, ना तो वो खत्म किया जा सकता है ना ही उसको नया मास क्रिएट और मास क्रिएट करा जा सकता है केमिकल रिएक्शन में. राइट, जितना अमाउंट है इट विल रिमेन सेम. इन फॉर्मूला चेंज हो सकता है, कंपाउंड्स बन सकते हैं, रिएक्शन हो सकता है, न्यू स्टेट बन सकती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, लेकिन मास जो टोटल मास है दैट विल रिमेन सेम इन अ मास ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल रिमेन सेम. सो इसका मतलब क्या हुआ, माने कि व्हाट इट विल बी शोइंग अस दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन विल रिमेन सेम. ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट विल रिमेन सेम. इट शुड बी इक्वल. अब सेम है, दैट इज वाई देर इज अ नीड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. हमें बैलेंस करना पड़ता है उस इक्वेशन को, क्योंकि बैलेंस हो जाए. से हम शो तो तभी करेंगे ना, कि क्योंकि मास तो सेम है और हम शो नहीं कर रहे उसको कि मास सेम आया है. सो वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. राइट, नाउ हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से समझेंगे सारे. राइट, सो टू एग्जाम्पल्स आई विल टेक टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ बैलेंसिंग इज डन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू वन एग्जाम्पल विच यू हैव डन ड्यूरिंग एज एन एग्जाम्पल जब हम कर रहे थे कि वॉट इज अ केमिकल चेंज. वी हैड पुट फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स एंड वी हैव एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस वॉज फॉर्म्ड. राइट, दिस एग्जाम्पल वी हैड डन. उसी इक्वेशन को हम यहाँ लेते हैं और उसको देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस इट. राइट, वॉट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व. दिस आई टेक इन दिस क्लास आई टेक इन टू थ्री पार्ट्स बिकॉज बैलेंसिंग we need to understand more clearly, right? So hum first example lete hain is class mein, how to balance the reaction between the zinc and sulfuric acid. ab sabse pehle hum kya karte hain, suppose we are writing the word equation. if we are writing the word equation it will be zinc plus sulfuric acid. what it will give, it will give zinc sulfate and hydrogen. And if we write the skeletal chemical equation for this, what it will be, it will be zinc plus sulfur. Formula for sulfuric acid is H2SO4. what it will give, देखिए हाउ टू फाइंड आउट वॉट विल बी फॉर्म. सी दिस जिंक रिएक्ट्स विद दिस सल्फेट आयन एंड इट विल फॉर्म वॉट ZnSO4. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन. वॉट इज लेफ्ट बिहाइंड, हाइड्रोजन. तो नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी प्लस. प्रोडक्ट्स को क्योंकि हम प्लस लगा के डिनोट करते हैं, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोजन. Isn't it कितना सिंपल है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे वॉट आर द प्रोडक्ट. ये मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम हमें समझ ही नहीं आता कि प्रोडक्ट आगे क्या आएगा.
राइट। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि कैसे जिंक एंड सल्फेट आर कंबाइनिंग एंड रह क्या गया, हाइड्रोजन रह गई, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया, राइट। नाउ दिस इज द स्केलेटल इक्वेशन। अब हम क्या देखेंगे, वी विल काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर देयर। नाउ सपोज इस इक्वेशन में हाउ टू काउंट, वी विल मेक अ टेबल, आप टेबल बना के इस पे वर्क करिए। दिस इज द इक्वेशन, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब हम कैसे देखेंगे, वी विल मेक अ टेबल ओवर हियर, लाइक दिस। हियर वी विल राइट ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ द एलिमेंट्स हियर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मीन्स दे आर रिटन एट द LHS साइड, एंड हियर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। प्रोडक्ट्स मीन्स RHS, प्रोडक्ट्स आर रिटन एट द राइट हैंड साइड। नाउ सी, फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। फर्स्ट इज जिंक, कीप ऑन राइटिंग ओवर हियर। यहां पर सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन। एलिमेंटल फॉर्म में हम इसे लिखेंगे, नॉट इन दिस फॉर्म। देन सल्फर इज देयर, एंड वॉट इज कंबाइनिंग, ऑक्सीजन। सो और कोई एलिमेंट तो नहीं है। सो दीज आर फोर एलिमेंट्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे LHS एंड RHS में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज देयर। जिंक के कितने एटम्स हैं, इन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ LHS की, दिस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, दैट मीन्स बिफोर द रिएक्शन हाउ मेनी एटम्स ऑफ जिंक आर देयर, कितना है, वन, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वन। हाइड्रोजन के कितने हैं, यहां वट एवर इज रिटन ओवर हियर ये आप इसका मान लेंगे, कितना है, टू। सल्फर का यहां कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वन, और यहां कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपका सिंपल सल्फर कितना हो गया, वन। ऑक्सीजन के कितने हैं यहां पर, फोर एटम्स, ये तो हो गए इसके। नाउ फाइंड आउट इन द प्रोडक्ट साइड आफ्टर द रिएक्शन, अब क्या हुआ, एक नया ये बन गया सब्सटेंस एंड हाइड्रोजन। नाउ फाइंड आउट द एटम्स, हाइड्रोजन के दिस साइड हाउ मेनी, अगेन वन। सल्फर हाउ मेनी एटम्स आर देयर, वन। हाइड्रोजन के कितने हैं, टू, ये देखिए टू। एंड ऑक्सीजन के कितने हैं आफ्टर द रिएक्शन, फोर। अब चेक करो LHS एंड RHS में आर दे सेम, वन वन इक्वल, टू टू सेम, वन वन सेम, फोर फोर सेम, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो हाउ वी विल राइट द सेम इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो आप यही सेम इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे, इट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ LHS एंड RHS, बट हमने चेक कर लिया फिर भी कि वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट। एक तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो गया, राइट। सो नाउ अब सेकेंड हम करेंगे क्लास में, दैट हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज द प्रोसीजर, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, एंड इफ इट इज क्लियर एंड यू आर लाइकिंग द लर्निंग, डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट अदर्स आर ऑल्सो बेनिफिटेड, एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर्स यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, राइट। So in next class we will do the proper 7 steps balancing, right? Till then, thank you.